हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लेसन्स बाय शिवानी, जिसकी आज की वीडियो में हम ये दो रंग का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन है, बहुत आसान है बनाने में, तो चलिए आज इसे बनाते हैं। इसके लिए फंदे हमें लेने हैं 8 के मल्टीपल में प्लस 1। तो यहाँ पर हमने सिलाई में 41 फंदे डाले हुए हैं। 8 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, जिसकी पहली सिलाई को हम राइट साइड से डालेंगे। इसमें दोनों कलर का यूज़ साथ साथ होता है, रेड कलर का भी और वाइट कलर का भी। आठ आठ के फंदों में ये डिज़ाइन रिपीट होता है। तो चलिए फर्स्ट फंदे को हम रेड कलर से बुनेंगे। पहला फंदा रेड कलर से बुनने के बाद हमारा रिपीट स्टार्ट होता है। तो रिपीट में हमने क्या करना है, एक बार आप नोट कर लीजिए। दो फंदे वाइट से बुनेंगे, ये दो फंदे हमने वाइट से बुने। तीन फंदे रेड से बुनेंगे, फिर से दो फंदे वाइट से बुनेंगे, और फिर एक फंदा रेड से बुनेंगे। देखिए, ये आठ फंदों का हमारा रिपीट है, जिसको हमने कैसे बनाना है। फर्स्ट फंदा तो हमारा एक्स्ट्रा है, इसको नहीं काउंट करेंगे। फर्स्ट फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये पहला फंदा हमने अलग कर दिया। इसके बाद जो आठ फंदे हैं, इनको हमें बार बार रिपीट करना है। दो फंदे वाइट, तीन रेड, दो वाइट, एक रेड। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। दो फंदे वाइट, तीन रेड, फिर से दो फंदे वाइट और एक फंदा रेड। अब इसी रिपीट के साथ इस पूरी सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं सेकंड रो के लिए। देखिए, सेकंड रो में हम फर्स्ट जो फंदा है, पहला फंदा वाइट कलर के साथ बुनेंगे। जो दूसरा फंदा है उसे रेड कलर के साथ बुनेंगे। देखिए, दो फंदे हमने यहाँ पर बुने। अब हमारा रिपीट शुरू होगा। आठ फंदों का जो रिपीट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसमें क्या करना है, दो फंदे हम वाइट कलर के साथ बुनेंगे, दो वाइट के साथ, फिर एक रेड के साथ, दो फंदे फिर से वाइट कलर के साथ, एक रेड, एक वाइट और एक रेड। देखिए हमने किस तरह से बुना। स्टार्टिंग के दो फंदे हम छोड़ देंगे, इनको हमने रिपीट से बाहर रखा है। देखिए, दो फंदे वाइट, एक रेड, दो वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड। तो इस तरह से आठ फंदे हैं हमारे, इन्हीं को हमें बार बार रिपीट करना है। चलिए करते हैं। दो फंदे वाइट, एक रेड, दो वाइट, एक रेड, एक वाइट और एक रेड। देखिए, इस रिपीट को हमने दूसरी बार फिर से बना लिया है। अब फिर से इसी को बनाएंगे, दो वाइट, एक रेड, दो वाइट, फिर से एक फंदा रेड, एक फंदा वाइट और एक फंदा रेड। इसी तरह से इस सिलाई को, सेकेंड रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए, इस रिपीट के साथ हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो में हैं हम। यहाँ पर थर्ड रो में स्टार्टिंग के दो फंदों को हम वाइट कलर से बुनेंगे।
देखिए दो फंदे हमने वाइट से बुने, अब यहाँ से हमारा रिपीट स्टार्ट होगा। रिपीट है एक फंदा रेड कलर से और तीन फंदे वाइट कलर से। देखिए क्या करना है, हमने दो फंदे हमने स्टार्टिंग में बुने, इनको नहीं काउंट करेंगे। रिपीट कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक फंदा रेड और तीन फंदे वाइट, एक रेड तीन वाइट, इसी तरह से पूरी सिलाई बनाते जाएंगे। ये एक रेड तीन वाइट, फिर से एक रेड तीन फंदे वाइट कलर के साथ। चलिए इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं फोर्थ रो के लिए। फोर्थ रो रॉन्ग साइड में हम पहले तीन फंदों को वाइट कलर के साथ बुनेंगे। ये एक दो और तीन, तीन फंदों को वाइट कलर के साथ बुनने के बाद रिपीट स्टार्ट होगा। और रिपीट में आठ फंदे हम किस तरह से बुनेंगे, एक फंदा रेड एक वाइट एक रेड दो वाइट, फिर से एक रेड और दो वाइट। देखिए एक बार देखेंगे, स्टार्टिंग के हमने तीन फंदे बुने थे, उसके बाद हमने रिपीट स्टार्ट किया था जिसमें एक फंदा रेड एक वाइट एक रेड दो वाइट एक रेड और दो वाइट, इस तरह से आठ फंदे हमने बुनने हैं। तो चलिए फिर से बनाते हैं, एक रेड एक वाइट एक रेड दो वाइट एक रेड दो वाइट। इसी के साथ इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड रो फोर कंप्लीट हो गई है, अब हम राइट साइड में आ गए हैं रो फाइव के लिए। इसमें हम स्टार्टिंग के पांच फंदे बुनेंगे। देखिए किस तरह से, दो फंदे रेड से, ये दो फंदे हमने रेड कलर के साथ बुने, फिर दो फंदे हम वाइट कलर के साथ बुनेंगे, एक फंदा रेड कलर के साथ बुनेंगे। देखिए पांच फंदे हमने ये स्टार्टिंग के बुन लिए हैं, इनको हम रिपीट में नहीं रखेंगे। अब रिपीट शुरू होगा यहां से, इसको हमने कैसे बुनाना है, दो फंदे हमने बनाने हैं वाइट कलर के साथ, तीन फंदे रेड कलर के साथ, फिर से दो फंदे वाइट कलर के साथ और एक फंदा रेड कलर के साथ। देखिए हमारा रिपीट कहां से स्टार्ट हुआ है, पांच फंदे हमने अलग रखने हैं। ये पांच फंदे हमने अलग निकाल दिए, इसके बाद दो फंदे वाइट तीन रेड दो वाइट और एक रेड, इस तरह से आठ फंदे हमने बार बार बनाने हैं। चलिए बनाते हैं, दो फंदे वाइट तीन रेड दो वाइट और एक रेड, इसी तरह से इस पांचवी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं सिक्स्थ रो के लिए। यहां पर हमें स्टार्टिंग के तीन फंदे बुनने हैं, देखिए कैसे बुनेंगे, एक फंदा रेड कलर के साथ और दो फंदे वाइट कलर के साथ। स्टार्टिंग के तीन फंदे जब हम बुन लेंगे, यहां से हमारा रिपीट स्टार्ट होगा। रिपीट में हमने क्या करना है, एक फंदा रेड एक वाइट एक रेड दो वाइट एक रेड
और 2 व्हाइट। देखिए फिर से देखेंगे, स्टार्टिंग के 3 फंदे हमने रिपीट से बाहर रखे थे, उसके बाद हमारा रिपीट स्टार्ट हुआ, एक रेड एक वाइट, एक रेड 2 वाइट, एक रेड और 2 वाइट। चलिए फिर से बनाते हैं, एक फंदा रेड कलर के साथ, एक वाइट के साथ, फिर से एक रेड, 2 फंदे वाइट कलर के साथ, एक रेड और 2 वाइट। अब इसी रिपीट के साथ इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे डिज़ाइन की 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं 7th रो में। 7th रो में हमने 3 फंदे बुनने हैं, जिनमें से हम 2 फंदे व्हाइट कलर के साथ बुनेंगे। ये 2 हमने व्हाइट कलर के साथ बुने, एक फंदा रेड बुनेंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदे बुनने के बाद रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हमने क्या करना है, 3 फंदे व्हाइट, और एक फंदा रेड। ये देखिए इसी तरह से हम रिपीट को बनाते जाएंगे, 3 फंदे व्हाइट, एक फंदा रेड, 3 व्हाइट, एक रेड। चलिए इसी तरह से इस 7th रो को कंप्लीट करते हैं। कि हमारे डिजाइन की 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं 8th रो के लिए। यहां पर स्टार्टिंग के हमने 2 फंदे बनाने हैं, जिसमें से पहला फंदा हम व्हाइट बनाएंगे और दूसरा रेड। पहला व्हाइट और दूसरा रेड कलर के साथ हमने बनाया। अब यहां से हमारा रिपीट स्टार्ट होगा। रिपीट में हमने क्या करना है, 2 व्हाइट, एक रेड, फिर से 2 व्हाइट, एक रेड, एक व्हाइट और एक रेड। देखिए कैसे हमने बनाया, स्टार्टिंग के 2 फंदे हम नहीं काउंट करेंगे। रिपीट में 2 व्हाइट, एक रेड, 2 व्हाइट, एक रेड, एक व्हाइट और एक रेड। चलिए इसी तरह से फिर से बनाते हैं, 2 व्हाइट, एक रेड, 2 व्हाइट, एक रेड, एक व्हाइट और एक रेड। चलिए इसी तरह से 8th रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसी के साथ 8 सिलाइयों को हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इन्हीं 8 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है। जहाँ से मैंने आपको रिपीट बताया है, वही 8 फंदे बार बार हर सिलाई में रिपीट होंगे। तो बहुत आसान है ये डिज़ाइन बनाने में। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।